हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। और ये जो आप बाइक देख रहे हैं आपके सामने, दैट इज़ द KTM ड्यूक 125 2021 एडिशन। अब इसमें क्या चेंज हुआ है? ऑफकोर्स इसमें BS6 इंजन तो आता ही है, जो पहले भी आ गया था, लेकिन अब इसके स्टाइलिंग में पूरी तरह से आप चेंज देख सकते हैं। अब ये न्यू एज ड्यूक्स की स्टाइलिंग जो है ये 125 में आ चुकी है, और ये आप देख सकते हैं इसके हेडलैम्प से पहले जो सबसे स्ट्राइकिंग चेंज है। अब ये बिल्कुल फ्लैट वाली हेडलैम्प है, जो पहले ड्यूक 250 में आती थी, बाद में 200 में इंट्रोड्यूस हुई, और अब ये 125 में भी आ गई है। ये ऑफ़ कोर्स हैलोजन की लैंप है, LED नहीं है, लेकिन इसमें LED DRLs हैं। इनफैक्ट एडवेंचर 250 में भी यही हेडलैम्प आती है, बट विथ अ डिफरेंट कॉन्सोल एंड बेजल। अब ये जो लुक है ये कॉन्टेम्प्रेरी हो गया है, सारे ड्यूक सब यही लुक में आ रहे हैं। टैंक आप देख सकते हैं, इससे इसका जो एंटायर अपील है ये बहुत चेंज हो गया है, और ये ख़ास तौर से जो श्राउड्स हैं इसके, ये बहुत स्टैंड आउट करते हैं विद द ड्यूक 125 ब्रांडिंग ऑन दैट। टैंक जो है अब इसका नया है, और पहले के 9.5 लीटर से अब चेंज हो गया है, अब 13.5 लीटर इसकी कैपेसिटी है। और ये इसकी सीट्स हैं, स्प्लिट सीट है इसमें, और जो कुशन है इसका ये थोड़ा फर्मर साइड पे है। ये हायर ड्यूक्स जो है उनसे थोड़ा अलग है, ऑब्वियस कॉस्ट कटिंग इसमें आपको नज़र आती है, तो कुशन ये काफ़ी फर्मर साइड पे है, बहुत स्टिफ लग रहा है ये, और यहाँ का भी थोड़ा सा स्टिफ है पिलियन का भी। बाकी जो स्टाइलिंग है सिमिलर है, ये आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं स्प्लिट टाइप के। टेल लैम्प जो है इसकी ये LED की है, द सेम यूनिट। टायर हगर भी इसमें आपको मिल जाएगा, और ये इसका जो एक्सपोज्ड ट्रेली फ्रेम है ऑरेंज कलर में, दिस लुक्स प्रीटी कूल, जो सारे ड्यूक्स में नज़र आता है, और ये एक हाईलाइट भी है ड्यूक का। ये जो इसका फ्रंट मडगार्ड है ये भी अब नया है, आगे आप देख सकते हैं ग्लॉसी पोर्शन है, और पीछे मैट ब्लैक है। व्हील्स सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, टोटली ब्लैक कलर के हैं, लेकिन आपको इस बाइक में यानी 125 में यहाँ पे कोई स्टिकर नहीं मिलेगा व्हील के ऊपर, जो यूजुअली बाकी ड्यूक्स में आता है। इसमें KTM की ब्रांडिंग आती है व्हील पे, वो आपको इसमें नहीं मिलेगी। ये इसका इंजन काउल है, विच इज़ सेम एज द 200। अब इसका जो इंजन है ये वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ऑफ कोर्स इसमें BS6 अब आ गया है, तो कुछ चेंजेस हुए हैं, ये देख सकते हैं। अब इसका कैटालिटिक कन्वर्टर है, FI के साथ, ये पहले भी आती थी इंजेक्शन के साथ, लेकिन ये अब नया एडिशन है। और जो स्पेक्स हैं इसके, जैसे मैंने बताया, 125cc का इंजन है विद 14.5 PS, जो आपको 9250 RPM पे आता है, और 12 Nm का इसमें टॉर्क है जो 8000 RPM पे आता है। जो डिस्क ब्रेक है इसका, ये फ्रंट में 300 mm का है, और पीछे जो है 230 mm का डिस्क है। और इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा, डुअल चैनल इसमें नहीं आता है। एक अच्छी बात है कि इसके इंजन के साथ 6-speed का गियरबॉक्स आता है, दैट्स अ हाईलाइट ऑफ द 125 ड्यूक। अब ये जो वेट है इसका, ये 159 kgs का हो गया है, और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे एक नज़र डालते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं है, दिस इज़ जस्ट द सेम यूनिट, और एक एम्बर कलर का बैकलाइट है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप इसे ऑन करें तो यहाँ पे रेडी टू रेस के बाद यहाँ पे रोड मोड दिखाई देगा आपको, तो ये फिक्स्ड मोड है यहाँ पे। ऑफ कोर्स क्योंकि सिंगल चैनल ABS है, आपको स्विचेबल ABS नहीं मिलता है, आपको रोड मोड ही मिलता है। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन पहले आती थी इसमें, ये सेम है। स्पीडोमीटर के साथ साथ ऊपर टैकोमीटर है, यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर है, यहाँ पे बाकी इन्फो आपको मिल जाती है ट्रिप के लिए। और उसके अलावा यहाँ पे फ्यूल गेज है, टेम्परेचर इंडिकेटर है, डिजिटल क्लॉक है यहाँ पे। सो दिस इज़ द सेम यूनिट, इसमें कोई चेंज नहीं है। ऊपर टेलटेल लैंप्स हैं ऊपर और साइड में, इसमें कोई चेंज नहीं है। शिफ्ट RPM आपको सेंटर में मिल जाएगा इसके, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। स्विच GS भी इसके सेम है बिल्कुल, उसमें कोई चेंज नहीं है। हैंडल बार इज़ ऑल्सो सेम, बट जो स्टांस है इसका, सीटिंग स्टांस है, अब ये थोड़ा चेंज हो गया है, काफ़ी अग्रेसिव भी हो गया है, एंड काफ़ी स्पोर्टी। बिकॉज द बाइक लुक्स स्पोर्टी, तो आप जब इस पर बैठें तो आप भी इस पर काफ़ी अच्छे लगेंगे, स्पोर्टी किस्म का एक फील आपको ज़्यादा आएगा इसमें।
इसके टायर की बात करें तो इसमें MRF के रेव्स आते हैं, विच इज़ 110/70 सेक्शन, 17 इंच का व्हील है, और पीछे भी आपको यही मिल जाएगा, बट पीछे का जो साइज़ है ये ऑफ कोर्स अलग है। आप देख सकते हैं ये है 150/60/17। चेन जो है इसकी एक्सपोज्ड है, और ये जो पोर्शन है ग्रे में फिनिश्ड है, दैट लुक्स प्रीटी गुड। उसके अलावा जो छोटे छोटे स्टाइलिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ये छोटा सा ग्रिल हो गया यहाँ पे, दैट लुक्स प्रीटी नीट, और एक हाईलाइट भी कर देता है इसको, काफ़ी प्रीमियम भी लग रही है बाइक अब पहले के मुकाबले। और अच्छी बात ये है कि 125cc में भी आपको वही फैमिली लुक मिल रहा है ड्यूक का, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये इसके LEDs इस तरह से ग्लो होते हैं, DRLs, और इसके एग्जॉस्ट नोट को एक बार सुन लेते हैं। बहुत ज़्यादा रिफाइंड लग रही है पहले के मुकाबले, क्लैंकी किस्म की आवाज़ नहीं आ रही है, रिफाइंड और स्मूथ नोट आ रहा है इसका। तो ये एक चेंज हुआ है BS6 के बाद, थोड़ा सा नोट में भी इसके चेंज हो गया है। एक और लुक ले लेते हैं इसका दूर से। आई एम श्योर अगर आप प्रोस्पेक्टिव बायर हैं, अगर आप सोच रहे हैं ड्यूक 125 खरीदने का, तो दिस इज़ द बेस्ट चांस फॉर यू, बिकॉज जो लुक है इसका टोटली अब चेंज हो गया है। तो आप हमें कमेंट्स में बताइए दोस्तों कि आपको ये लुक कैसा लग रहा है, क्या आप इसे अब खरीदना चाहेंगे, आपके ये लिस्ट में सबसे ऊपर है या नहीं, ये हमें कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, गियर फ्रिक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोई भी सवाल आपको पूछने हैं ड्यूक 125 के बारे में आप हमें पूछ सकते हैं। वैसे जो इसकी एक शोरूम प्राइस है ये 1.5 लाख की है पुणे में। सो ये था एक फर्स्ट लुक ड्यूक 125 का। अब बहुत जल्द हम इसका एक डिटेल रिव्यू भी आप तक ले आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू गियर फ्लिक। गुड बाय।